हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और हो गया मेरा काम, मैं यहाँ ऊपर आई थी। मैंने कहा यहाँ लेंटर में पत्ते उड़े हुए होंगे तो मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं है, आज थोड़ा थोड़ा ही है। देखती हूँ कल परसों तक करूँगी फिर साफ। नहीं है ज़्यादा धूल मिट्टी भी, क्योंकि कल एक दिन छोड़ के परसों ही तो किया था सफाई, तो नहीं हुआ ज़्यादा। मैं सोच रही थी यहाँ बहुत ज़्यादा पत्ते हो गए होंगे, अभी इतना पतझड़ हुआ नहीं है। यहाँ पीछे ये जंगल है, जब ये पतझड़ होता तो पूरे मतलब सुबह शाम ये पत्ते उठाने का काम ही होता है, लेकिन अभी पतझड़ शुरू नहीं हुआ, इतना थोड़ा 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 हो रहा है। तो आज का मौसम बिल्कुल चटक धूप है और किनारे किनारे बादल हैं मसूरी के ऊपर। लग रहा है सुबह शाम तक फिर ऐसे ही बादल लग रहे हैं, शाम तक ठंडा हो रहा है मौसम, लेकिन दिन में बहुत सारी धूप हो रही है, बहुत ही तेज़ धूप हो रही है, बता नहीं सकते। अभी से ये हाल है तो मई जून में तो क्या ही होगा। और धूल तो नहीं लगती यहाँ, लेकिन अब जैसे ही ये साल के पेड़ है ना, इन पे फूल आएंगे तो वो फूल भी उड़ के सारे आ जाते हैं इधर को। कुछ टाइम पत्ते होते हैं, पत्ते ख़त्म हुए फिर फूल होते हैं, और फूल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर इनके फल होते हैं, जो वो फल गिरते हैं, और फल के साथ एक कीड़े भी होते हैं बारीक बारीक, वो भी रहते हैं। तो मतलब सफाई करने के लिए होता ही होता है। कुछ कुछ पेड़ों की तो लॉपिंग कर रखी है इन गुज्जरों ने, पीछे से गुज्जर रहते हैं यहाँ पीछे, तो वो लॉपिंग कर देते हैं सर्दियों में, क्योंकि उनके गाय भैंस जो डंगर जो भी हैं वो खाते हैं इनको, पत्तों को, तो वो काटते रहते हैं सारे पेड़। ठीक है, लॉपिंग हो रखी है वो उधर तक। उधर उनके गाय भैंस बंधी रहती थी पहले यहाँ पे, और क्या हुआ कि एक दिन वन विभाग वाले आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ मत बांधा करो पेड़ की जड़ पे, पेड़ सूख जाते हैं, यहाँ गोबर भी मत डाला करो। तब से उन्होंने यहाँ पे बांधना बंद कर दिया है। पता नहीं उसी तरफ जो रानी की ज़मीन है उसी तरफ बांधते हैं वो, आम के बगीचे में वहीं रह जाते हैं। दिन भर तो छोड़ जाते हैं, उन्होंने जंगल ले जाते हैं वो चराने के लिए, पर अभी तो। और आज फूल दे ही है यहाँ तो, कुछ पता नहीं चल रहा है। घोगा माता बोलते हैं हमारे यहाँ, छोटे बच्चे ना सबके डेलियों पे वो डालते हैं क्या फूल, शाम को लेके रख लेते हैं फ्यूली, फूल गई होगी पूरे गांव में। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ फ्यूली है कहाँ बच्चे हैं कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे गाँव में होता है ना, फूल डालने जाते हैं 7 दिन तक, पूरे 8 दिन, 8वें दिन अठौड़ा होता है, तो उस दिन जो बच्चे मांगते हैं सारा चावल जो भी होता है उसको बनाते हैं एक जगह पे, सारे बच्चे भोज बना के खाते हैं। और यहाँ तो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है कि बच्चे आए नहीं सुबह तक, मैं सोच रही थी छोटे छोटे बच्चे होंगे इधर उधर से तो क्या पता आ जाए, लेकिन आए नहीं कोई भी। चलो जो भी है, गाँव में बहुत उत्साह से मनाते हैं ये त्यौहार, यहाँ कुछ नहीं है, पता भी नहीं चल रहा है कि हाथ से फूल डालना है। छोटे बच्चे सजोलियों में फूल भर भर के रखे रहते हैं, शाम को जैसे ही स्कूल से आएंगे शाम को और टोकरी पकड़ी अपने अपने फूलों के ले चले जाते थे। जब हम छोटे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे, और फूल ला के बाहर बगीचे में रख देते थे, बगीचे में ऐसी जगह की जहाँ या तो जो रहते थे या कुछ हरियाली रहती थी तो उसके अंदर छुपा देते थे कि बासी नहीं होंगे फूल, ताजे रहेंगे। तो फिर सुबह उठा के सारे गांव में सबके पास फिर घोगा बना रखा रहता था डोली, उसको भी कंधे पर लचाते थे, जगह जगह जहाँ जाते थे वहाँ लेके जाते थे, सुबह स्कूल जाते थे शाम को रोज का 8 दिन तक वही रूटीन रहता था हमारा। और हमारे बच्चों ने भी काफ़ी फूल डाले हैं, लेकिन अब नहीं डाल रहे हैं, अब की पीढ़ी पता नहीं इंटरेस्ट नहीं है या माँ बापों ने बताया नहीं है, क्योंकि ये संस्कृति है हमारी तो, है ना।
नहीं बताते तो ठीक है, चलो फिर निपटाती हूँ मैं। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया, 10:30 होने। ये देखो ये है मटर, पर ऐसे झुंडे झुंडे आ रखे इस बार के मटर, पता नहीं कैसे मटर है ये। जा रहे हम, कल जो मैंने वो रखा था ना, क्या कहते हैं थैला चक्की पे, तो कल पिसा नहीं, तो आज जा रही हूँ लेने के लिए। पिस गया होगा, पिस के रखा होगा, लेके आती हूँ मैं। अभी धूप लगी हुई है, 4:30 हो गए, पर धूप तेज है आज। देख रहे हैं भूरी और वाइटी कैसी पड़ी हुई है वहाँ पे। मेरा इंतजार कर रही हूँ। जबकि मैं चुपके से इतनी दूर से जा रही हूँ अभी, फिर वो इंतजार कर रही है। आ गई मैं, थैला लेके अब जा रहे हैं हम पक्षी को घुमाने के लिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं नीचे। चले हम घूमने के लिए, हरियाली हरियाली, धूप भी चले गई नीचे को, अच्छी हरियाली और पक्षी भी आ रही है मेरे साथ। घूमने के लिए चलते हैं, अब गर्मी शुरू हो गई है, ठंडी हवा अच्छी लग रही है। अब आज तक ठंड से मर रहे थे, अब गर्मी से मरेंगे।